ब्यूटीफुल पीपल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम यही जो पिक्सॉक V5 प्लस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल में रिव्यू करने वाले। तो गाइस वीडियो पूरी तरीके से देखते रहिए गाइस, क्योंकि पूरे यूट्यूब के ऊपर हिंदी में ये पहला ही वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर। तो गाइस वीडियो के साथ में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि ये पूरे यूट्यूब के ऊपर ये पहला ही वीडियो है हिंदी में और इतने डिटेल में वीडियो पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलने वाला, चाहे तो आप सर्च करके देख सकते हो। तो चलिए गाइस जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस ये है CU-AV पिक्सॉक V5 प्लस। गाइस इसमें दो वेरिएंट आते हैं, V5 नैनो एंड V5 प्लस। ये हमारे साथ में जो है गाइस ये V5 प्लस है। GPS मॉड्यूल आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, मतलब किट ही में आएगा बट उसका बॉक्स अलग आएगा। ये CU-AV पिक्सॉक है गाइस। जो CU-AV कंपनी है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के और बहुत ही मोस्ट एडवांस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड मैन्युफैक्चर करने के लिए पहचानी जाती है। CU-AV के पिक्सॉक की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। वैसे प्राइस भी हाई होती है लेकिन जो क्वालिटी है वो भी हाई मिलने वाली। ये है गाइस GPS का बॉक्स, इसमें आपको NEO M810 GPS मिलेगा, लेकिन ये डुअल GNSS के साथ में आते हैं। आगे में वीडियो में आपको फीचर बताने ही वाला हूँ। ये है गाइस V5 प्लस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड। अगेन इसमें एक छोटा वाला वर्जन आता है नैनो, ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है बड़ा वाला। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस जैसे कि जो पैकिंग है वो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है और उसके साथ में जो फील आपको आएगा आप जब इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को अनबॉक्स करेंगे, एकदम लाइक बहुत ही रॉयल टाइप की फीलिंग आपको आएगी, बहुत ही प्रीमियम पैकिंग आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे दो बॉक्स मिलेंगे गाइस। एक छोटे वाले बॉक्स में गाइस एक्सेसरीज है सारे CU-AV जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये यूज़र मैनुअल है। गाइस कुछ भी करने से पहले एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यूज़र मैनुअल पूरा पढ़ ले, ताकि नेक्स्ट आप कोई भी ऑपरेशन इसके साथ में करो तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि किसका जो ये है पता चल जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो गाइस ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है इटसेल्फ। सबसे पहले देख लेते हैं छोटे बॉक्स के अंदर क्या क्या एसेसरीज मिलने वाली है। जैसे कि आप नॉर्मल पिक्सॉक में जो एसेसरीज मिलती है छोटी मोटी, वही एसेसरीज आपको मिलने वाली, बस थोड़े से केबल्स थोड़े एक्स्ट्रा मिलेंगे। पावर मॉड्यूल हो गया या फिर टेलीमेट्री हो गया, वो आपको इसके साथ में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस पावर मॉड्यूल की। तो पावर मॉड्यूल आपको मिलने वाला है गाइस। ये पावर मॉड्यूल 3 सेल से लेकर 12 सेल तक की बैटरी सपोर्ट करता है। 3S से लेकर 12S तक की बैटरी आप इसमें इजी तरीके से लगा सकते हो। और गाइस अगर आप चाहो तो 3S की बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो ड्रोन है उसके ऊपर। बट 3S से लेकर 12S तक की बैटरी है इनपुट सपोर्ट करता है। गाइज अगर आप इनके कनेक्टर्स देखो, आप कौन सा भी इसमें अगर एसेसरीज लगाओगे उसके जो कनेक्टर्स है वो इन शॉर्ट में आप कह सकते हो कि सेल्फ लॉकिंग कनेक्टर से आप जैसे उसके अंदर आप डालोगे पॉट के अंदर वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे बंच ऑफ वायर्स का सेट आपको मिल जाता है, जो कि जो आपके जो एक्सटर्नल जो कनेक्शन है वो करने के लिए पिक्सॉक में आप इसे लगा सकते हो। हर वायर के ऊपर गाइज उसका यूज लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए ये यूज होगा, तो आप एक बार वो पढ़ सकते हो। उसके बाद में गाइस आपको नॉर्मली वायर्स मिल जाएंगे JST वायर्स कनेक्टर्स के साथ में, ताकि हमारा रिसीवर हम कनेक्ट कर सके। उसके बाद में गाइस आपको मिलने वाला है I2C स्प्लिटर। आपको ही बताया गया ये किस लिए यूज़ होता है, अगर आपको GPS I2C के पॉट में और सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है, अगर आप डुअल GPS यूज़ कर रहे हो या फिर LED यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए ये स्प्लिटर आपको ज़रूरी होगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस आपको छोटे मोटे एक्सेसरीज मिलेंगे। आपको यहाँ पे एक्सटर्नल USB मिलने वाली है। अगर इन केस में फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड ड्रोन के अंदर लगा हुआ है तो USB लगाने में मुश्किल होती है, तो एक्सटर्नल USB मिल जाएंगी। उसके बाद में आपको USB मिलेगा एक Type-C, ये है गाइस USB। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे PW Link मिल जाएगा। ये जो है गाइस टेलीमेंट्री है, वाईफाई टेलीमेंट्री, बहुत ही साइज इसकी छोटी है गाइस। आप इसे जो है फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड से लगा सकते हो और फिर अपना जो PC या फिर एंड्रॉयड फ़ोन है वो आप वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की। तो आप देख सकते हो गाइस ये हमारा पिक्सॉक V5 प्लस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं।
गाइज मेनली ये जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है गाइज डिज़ाइन हुआ है जो बड़े वाले ड्रोन्स हैं लाइक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ये जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है वो डिज़ाइन हुआ है। तो इसीलिए गाइज इसमें जो क्वालिटी मिलती है आपको बहुत ही ज़्यादा है, अच्छी है। प्रोसेसर की बात की जाए तो आप देख सकते हो गाइज प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है और गाइज इसमें आपको ट्रिपल आईओ म्यूज मिल जाते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में अगर आप बॉडी की बात करो तो पूरी मेटालिक बॉडी आपको मिलने वाली है। तो ऑब्वियसली गाइस अगर मेटालिक बॉडी मिल गई तो क्वालिटी तो अच्छी होनी ही है। गाइस अगर आप मेन प्रोसेसर की बात करते हो FMU तो 32 बिट आर्म कोर्टेक्स M7 प्रोसेसर आपको मिलेगा और गाइस IO इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की बात करोगे 32 बिट AM कोर्टेक्स M3 प्रोसेसर मिलेगा। तो ये गाइज अगर आप प्रोसेसर देखो तो टॉप क्वालिटी प्रोसेसर है। अभी तक पिक्सॉक क्यूब में भी ये प्रोसेसर नहीं मिलते गाइज, पिक्सॉक क्यूब से भी मोस्ट एडवांस इसमें जो प्रोसेसर्स है वो यूज़ हुए हैं। और गाइज अगर आप सेंसर्स की बात करते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सेंसर्स ऑनबोर्ड सेंसर्स एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। जो क्वालिटी है गाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इवन आपका जो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से सेंसर से उसकी क्वालिटी सब अच्छी मिलने वाली है। और गाइस अगर आप ये मेन जो कोर है आप इसे देख सकते हो, इसे मेन कोर कहते हैं, इसके अंदर आपके जो प्रोसेसर से वो फिट हुए होते हैं। और गाइस अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाएगा ताकि आप इसके प्रोग्रामिंग कर सके। उसके बाद में आपको यस बस आउट मिल जाएगा पिन। उसके बाद में आप अगर आप LED की बात करो तो इनपुट आउटपुट LED मिल जाएगी। उसके बाद में आपको मेन जो BTO LED है वो मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आप जैसे कि देख सकते हो आपको ADC पोर्ट मिल जाएगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ADC पोर्ट जो है वो बेसिकली यूज़ होता है आपके एक्सटर्नल एनालॉग सेंसर्स कनेक्ट करने के लिए, पिक्सॉक की वीडियो में मैंने डिटेल में बताया। देन आपको SPIS पोर्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे DSM यस बस, इसके लिए आपको जो है रिसीवर, ये जो DSM जो यस बस जो रिसीवर से RS है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको TF कार्ड के लिए भी स्लॉट मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मेन LED मिल जाएगी। इस LED से आप जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के सारे जो स्टेटस है वो जान सकते हो। आप देख सकते हो गाइस क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है और गाइस आप LEDs देख सकते हो जो मतलब ब्लिंकिंग है LEDs की वो बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अंदर भी गाइस LEDs फिट किए हुए हैं, आप देख सकते हो पॉट में से आपको दिखाई दे रहा होगा तो एक बहुत ही अच्छा फील आता है। और अगर आप आगे की तरफ देखो तो आपको I2C 3 मिल जाता है। I2C जो पोर्ट होते हैं आपके वो बहुत सारे इसमें मिलने वाले, तो I2C 3 मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे डीबग पोर्ट मिल जाएगा।
यूज़ करना है, मतलब कौन से भी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। चाहो तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अगर वो बहुत ही आपको स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी चाहिए और जो क्वालिटी है सेफ्टी वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होगी, तो आप ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड यूज़ कर सकते हो, पिक्सॉक V5+। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड का यूज़ करके एक ड्रोन बिल्ड करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो है आप डेफिनेटली देखना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना गाइस आपको, ताकि वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके पूछ सकते हैं, आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश करूँगा। तो रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस, लेकिन रिप्लाई आपको मिल ही जाएगा। एक बात छूट जाएगा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो Power 1 एंड Power 2, यहाँ पे गाइस आपको अपना जो पावर मॉड्यूल है वो कनेक्ट करना है। ऑब्वियसली गाइस अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो कनेक्शन से वो कैसे, गाइस ये सेम एज पिक्सॉक है, PX4 प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, मशीन पैनल से ही प्रोग्राम होगा, A to Z पिक्सॉक के जैसा ही है गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, उसके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन भी प्रेस कर देना है, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में।